अपना है जी ये आज का लंच। देखो प्लान तो काफी टाइम से था लेकिन हो नहीं पा रहा था कि किसी ना किसी वजह से बिजी था। अब जरा बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो रही है जी। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप? से उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे जी। आज है जी अपना फैट टू फिट की जर्नी का जी day 99। मैंने कल की वीडियो में बोला कि मैं आप कुछ दिन सैर नहीं करूंगा। मैंने कहा यार नहीं, कल अच्छा सा नहीं लग रहा था, मतलब मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा यार जहाँ इतने दिन अपनी टांगे तोड़ी हैं भाई इतना वजन उठाकर, तो 2 दिन और अपना चैलेंज पूरा कर लेते हैं, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो इसलिए पार्क में आ गया हूँ जी सैर करने के लिए, अपना राउंड लगाते हैं। फिलहाल टाइम जो हो रहा है जी 10:09 हो रहे हैं, तो शुरू करते हैं। वैसे मैं कोशिश कर रहा था कि मैं 9 बजे तक यहाँ आ जाऊँ, लेकिन घर से कभी कुछ दिक्कत कभी कुछ दिक्कत, बीच में फिर माइक नहीं मिला, माइक मिला तो जो मोबाइल के साथ लगता है कनेक्शन करने के लिए वो नहीं मिल रहा था। तो रात को क्या होता है ना, जब वीडियो एंड करता हूँ तो उसी वक्त अपने मतलब जहाँ मैं वीडियो एंड करता हूँ वहीं के वहीं उसी वक्त मेरा स्विच ऑफ हो जाता है। मैं पिछले कई दिनों से वीडियो एंड करते ही उसी वक्त सो जाता हूँ, तो फिर वो सोते वक्त में इधर उधर चीज़ें गिर जाती हैं, कोई चीज़ बेड के नीचे मिलती है, कोई सराहने के नीचे मिलती है, तो थोड़ा सा ढूंढने में मेहनत करनी पड़ती है। फिलहाल राउंड शुरू करते हैं जी। एक राउंड कंप्लीट कर चुका हूँ जी, सेकंड मैंने फिर दोबारा शुरू कर दिया। मैंने कहा धीरे धीरे चलते हैं और अभी तक कोई पैरों को परेशानी नहीं हुई है। बाकी एक चीज़ जो मैंने पार्क में आके नोटिस करी है जी वो ये है कि 2 दिन मैं पार्क में नहीं आया और मेरे ख्याल से शायद गिनती के 8 या 10 लोग होंगे जो इस वक्त पार्क में राउंड लगा रहे हैं। नहीं तो इस टाइम पर कम से कम 50 लोग होते थे जो सैर वगैरह करते थे और ज़्यादा एज वाले भी हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन आज तो भाई कोई है ही नहीं, पूरा पार्क ऑलमोस्ट खाली है। बस एक दो अंकल जी हैं जो बुज़ुर्ग से जो जैसे इस तरीके से घास को पानी वगैरह दे रहे हैं। और ये कोई माली वगैरह नहीं है जी, ये यहीं के पड़ोस में रहने वाले हैं जो मतलब अपनी इच्छा से कर रहे हैं और इन्हीं लोगों की मेहनत का है और इन्हीं लोगों की मेहनत है जी जिसकी वजह से ये पार्क इतना ज़्यादा मेंटेन है। यहाँ पे आस पड़ोस के लोग भी जो है इस पार्क की मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी रखते हैं। टाइम हो रहा है जी 11:13, 7322 अपने स्टेप हो गए हैं जी। और सही बताऊँ तो पार्क का पूरा बड़ा राउंड नहीं लगाया है, थोड़ा सा छोटा लगाया है। और वो कितना हो गया है जी वो बता देता हूँ आपको। आ जा भाई, यार ये कभी कभार ना ये घड़ी भाई परेशान कर देती है। लो फिर चला गया 5 किलोमीटर जी अपना राउंड लगा है। तो मेरे हिसाब से इतना जो है ना नॉर्मली जिसमें मैं बड़े आराम से कम्फर्टेबल रहूँ, तो इतना भी मैं अगर रोज़ करता रहूँ तो मेरे लिए जो है ना ये परफेक्ट है। इससे ज़्यादा जब तक और वज़न कम से कम 20 किलो कम नहीं हो जाता, इससे ज़्यादा सैर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं जी घर। 11:12:13 जो भी मैंने आपको बताया इतना टाइम हो गया जी, और चलते हैं। सबसे पहले पापा को लेकर जाऊँगा जी, बापू जी को इंजेक्शन लगवाने चलते हैं। आज लास्ट इंजेक्शन है जी, उसके बाद टेस्ट करवाएंगे, देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। फिलहाल घर चलते हैं। और मैं आपको बताऊं भाई, मैंने अपनी जुपिटर में अभी तक जो दूसरी स्कूटी है, आज शायद 4th या 5th दिन होगा मैंने अभी तक उस पर पेट्रोल नहीं भरवाया। मैं भी जो है इलेक्ट्रिक पे ही ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। 500 रुपये का पेट्रोल उस पर लग जाएगा भाई, और सही बताऊँ तो मन नहीं कर रहा उस पर 500 रुपये फूकने का, लेकिन यह है कि फिर वो पड़े पड़े जो है ना स्कूटी ख़राब हो जाएगी। तो आज जाके वो स्कूटी पे पेट्रोल भी भरवाता हूँ। फिलहाल चलते हैं घर, चलते जी आ जाओ। टाइम जी तकरीबन 12:30 का हो गया, मैं जा रहा हूँ वेदांत को स्कूल लेने के लिए। बाकी जी अपना जो है ना जी प्लान बन रहा है या तो आगरा या देहरादून जाने का। देखो प्लान तो काफ़ी टाइम से था लेकिन हो नहीं पा रहा था क्योंकि किसी ना किसी वजह से बिजी था। अब जरा बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हो रही है जी और एक आध दिन में हो जाएगी, तो अब जो है मैं थोड़ा सा इधर उधर जाने का प्लान बना सकता हूँ। बाकी फ़िलहाल अभी ज़्यादा लंबा प्लान नहीं होगा, प्लान यही है कि जी सुबह मॉर्निंग में जाएंगे, सारा दिन वहाँ घूमेंगे, नेक्स्ट डे भी घूमेंगे और शाम को वहाँ से वापस निकल जाएंगे जी अपने घर के लिए। 5 बज गए हैं जी और अपना है जी ये आज का लंच। प्लेट जो है ना बहुत ज्यादा भरी हुई नजर आ रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, 1 सेकंड हाथ हटा बाबू, ये बस सिर्फ बीच में थोड़े से चावल पड़े हैं, बाकी ये आलू गोभी जी, थोड़ी सी दाल मखनी है, राजमा ज्यादा है जी, और ये थोड़ी सी है जी चाप, बाकी सलाद। ये चावल सिर्फ इतने से ही जो है ना ये बीच बीच में पड़े हुए हैं। भूखी लग रही है ओए वेदांत, भूखी लग रही है? गीला वो बेटा नींबू डाला मैंने उसके ऊपर। वेदान टेस्टी है नोना, तेरे को कैसा लगा? अच्छा है ना? रात को तो मैंने वो जो रोटी वगैरह के साथ खाया था, लेकिन उससे भी ज्यादा स्वाद अब इस टाइम लग रहा है यार। हाँ बाबू, पैंट पे गिर गया? हाँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खा लो आराम से।
राजमा चावल ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। नेहा थोड़े चावल और गर्म करके दे दे फटाफट। मैंने मम्मा ला रही है, बहुत सारे चावल हैं अभी। भाई कपड़े चेंज किए थे जिम जाने के लिए और मेरे को आना पड़ गया पार्क। वेदांत रोने लग गया कि पापा पार्क लेके चलो, और अब वो मुझे नजर भी नहीं आ रहा कि इतनी भीड़ में। चलना बोल दे मेरे को भी। ओ दे गिरेगा अभी गिरता, अभी गिरता। नोना परेशान हो गई है, वेदांत बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। तंग कर रहा है ना, बिल्कुल कहना ही नहीं मान रहा आज तो है, बहुत दुखी कर दिया। और भाई आज तो मैं भी ना बहुत परेशान हुआ हूँ। पहले 6:45 बजे जाके चटोरा पॉइंट की वीडियो डली, और फिर उसके बाद मैंने उसको फटाफट छोटा किया कि मैं फेसबुक पे भी डाल देता हूँ। फेसबुक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, वो है म्यूज़िक की। अगर मैं म्यूज़िक के साथ डालता हूँ तो कोई ना कोई कॉपीराइट आ जाता है, और वो भी खाम खा का आता है, जबकि वो म्यूज़िक कॉपीराइट वाला है नहीं। तो उसके बाद मेरे अब म्यूज़िक के बगैर डालना होता है, तो इसलिए पूरी वीडियो दोबारा एडिट होती है और थोड़ी छोटी भी होती है, क्योंकि फेसबुक में ज़्यादा लंबी वीडियो डलती नहीं है। कहाँ गया तेरा भाई बेटा, जरा नज़र रखियो। और हुआ क्या, मैंने वीडियो डाल दी, उसके बाद देखा कि हाँ भाई लोड हो गई है, क्योंकि एक तो थंबनेल भी नहीं होता, या तो डेस्कटॉप से करो, और डेस्कटॉप से तो बहुत 1-1 घंटा तो वीडियो अपलोड होने में लग जाते, तो इसलिए मोबाइल से करना पड़ता है बाकी जी। और जब वीडियो डल गई तो लोगों मैसेज आने शुरू हुए कि वीडियो शॉर्ट है। मैंने कहा है, मैंने तो 7 मिनट की वीडियो डाली है। तो देखा भाई मुश्किल से 1 मिनट की गलती से वो शायद मैंने रील की कैटेगरी में ना वीडियो डाल दी, फिर उसको भाई वहाँ से डिलीट करके दोबारा अपलोड किया, और अब जाके फ्री हूँ और जिम निकलने लगा था। ये वेदांत जी रोने लग गए कि मेरे को फिर बॉल फेंक दी इसने, और ये वेदांत रोने लग गया कि मेरे को पापा पार्क लेके चलो। ये बड़ी जल्दी रोने लग गया, पता नहीं आजकल, पहले नहीं रोता था, अब आजकल ये देखो बॉल ले ली तो रोना शुरू, हर छोटी छोटी बात पे रोने और गुस्सा करने लग गया। देखो गुस्सा, देखो ये मुक्का मारेगा उसको जाके अच्छा ये तेरा पापा है? अच्छा तो दीदी का भी तो पापा हूँ मैं। दीदी का पापा नहीं हूँ मैं? हाँ क्या? हाँ या ना? फिर बॉल फेंक दी भाई इसने। पता नहीं अब जिम जाने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जी फाइनली जी मैं आ गया हूँ जिम में जी। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अभी 7:50 हो रहे हैं, 8:30 बजे तक अपने पास टाइम है, मतलब 40 मिनट दबा के एक्सरसाइज करेंगे। और पीछे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही भीड़ है आज उस तरफ में, तो इस कोने में जो है ना आज एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आठ 8:33 हो गए हैं जी। मैंने 8:15 तक करना था लेकिन 15 मिनट एक्स्ट्रा ही कर दिए, तो जोश जोश में आज ज़्यादा ही कर दिया, ठीक है। लेकिन आज सही बताऊँ तो सही मायने में आज एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। अब चलते हैं, मैंने एक पेन खरीदते हुए जाना है नोना के लिए। अगर नहीं लेके गया, वैसे मुझे डर है कि वो शॉप बंद हो गई होगी, आज बैंड बजने वाला है, देखते हैं क्या होता है। लो जी तकरीबन 9:45 बजे का टाइम हो रहा है जी, और मैं निकल गया हूँ घर से साइकिल चलाने के लिए जी। और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है इस वक्त, बिल्कुल भी एक ढेले की जो है ना गर्मी नहीं लग रही है। तो चलाते हैं, देखते हैं कहाँ तक साइकिल चलाता हूँ। पहले छोटा सा काम था, लेकिन अभी पंकज का फ़ोन आया, उससे बात हुई तो वो कह रहा कि कोई बात नहीं मैं कर लूँगा। मैंने कहा चलो सही है, अब अपना राउंड जो है ना अच्छे से लग जाएगा, राउंड लगा कर आते हैं जी। बढ़िया भाई साहब, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते चले जा रहे हैं। मालवीय नगर से सीधा साउथ एक्स से होता हुआ IIT फ्लाईओवर के पास एक बार भी अभी तक साइकिल नहीं रोकी, ना कल रोकी थी ना आज रोकी है, बल्ले बल्ले हो गई भाई। लो जी अपना राउंड हो गया जी कंप्लीट, और अब चलते हैं जी घर। मेरे ख्याल से 9:50 बजे मैंने स्टार्ट किया था, और अभी मैंने टाइम चेक किया है 10:36 हो रहे हैं, तो ठीक है फर्स्ट क्लास राउंड लग गया, बस 2 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। देखो जी टाइम हो रहा है जी 11:28, 9,755 अपने स्टेप हो गए हैं। बाकी इस वीडियो को दोस्तों ये पेंड करते हैं जी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय।